सी आई टी एन आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी ज़बान सातवीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब आइए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का तीसरा सबक सबक नंबर तीन फूल वालों की सैर सफा नंबर पंद्रह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मजहबों के मानने वाले रहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली ईद गुरुपर्व और क्रिसमस बड़े खरोश से मनाते हैं अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुगल बादशाह अकबर शाहसानी के जमाने में हुई थी ये वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे अंग्रेज हमारे मुल्क में तिजारत की गरज से आए थे लेकिन यहां आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर किया फिर बहुत से इलाकों पर काबिज हो गए एक दिन मुगल शहजादे मिर्जा जहांगीर ने एक अंग्रेज पर गोली चला दी रेजिडेंट अंग्रेज अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था सजा के तौर पर अंग्रेजों ने शहजादे को अलाहाबाद में क़ैद कर दिया बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका ये जमाना 19वीं सदी के शुरू का था उस वक्त अकबर शाहसानी हुक्मरान थे जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी उसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में महरोली की दरगाह और जोग माया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे सफा नंबर सोलह उस जमाने में दिल्ली की आबादी शाहजहां आबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता लोग नए नए कपड़े सिलवाते कारखानेदार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते मेहरोली उस जमाने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था वहां जाने के लिए रथ बैलगाड़ी घोड़े और पालकियां इस्तेमाल किए जाते गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही महरौली जाते थे रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थीं लोग खाते पीते हंसते गाते महरौली की तरफ चलते जाते थे कोई घोड़े पर सवार कोई पालकी पर लदा हुआ कहार हाँपते कांपते भाग रहे हैं इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे औरतें शहर में ही रहती थीं घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबले दीद होती थी फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था महरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते आम लोग बागों और खंडरों में डेरे डालते थे बारिश का मौसम बागों में पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ देता था सफा नंबर सत्रह कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं मेहरोली का बाजार मेवों मिठाइयों और खिलौनों से पटा पड़ा है पूरियों, कचोरियों कबाब पराठे बिरयानी मुजफ्फर और मुतंजन की खुशबू से गली कूचे महक रहे हैं बादशाह शहजादे और शहजादियाँ कई दिन तक महरोली में रहते थे कुश्तियां देखते मुर्गे और तीतर लड़ाते थे बादशाह और शहजादे शमसी तालाब के आसपास सैर करते महीने की चौदहवीं रात को मगरिब के बाद फूलों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोगमाया मंदिर के लिए उठता था रास्ते में मशाल लालटेन फानूस और दीवारगिरी की रोशनी से दिन का सा समा होता था पंखे के आगे आगे ढोल ताशे वाले रंग बिरंगी वर्दियां और गोल टोपियां पहने जोर शोर से ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे सफा नंबर अठारह पहलवानों के अखाड़े जोर दिखाते थे सक्के कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते जाते सबसे आखिर में पंखा और फूल वालों का कौल होता था पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस की खपच्चियों पर रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती आईने लगे होते रंग बिरंग के फूलों की बहार के साथ साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता था पंखे का ये जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता बादशाह बारा दरी में से नजारा करते बेकमात चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती रहतीं बादशाह सलामत बाजे वालों पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते यहां से आधी रात के करीब माया मंदिर में हिंदू, मुसलमान मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबर्रुक प्रसाद लेकर वापस आते अगले दिन उसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतल्लाह की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती बादशाह और शहजादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जमाने में फूल वालों की सैर का मेला और ज्यादा ब हो गया था कि अट्ठारह में आवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई जब मुगलों की बार चाहती मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता चुनाचे ये मेला बंद हो गया आजादी के बाद हिंदुस्तान के हर दिल अजीज वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू कराया शाही जमाने में ये मेला बरसात में लगता था आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है इन दिनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है हालांकि फूल वालों की सैर में पहले जैसा जोशो खरोश तो अब नहीं रहा है लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फरूख देने के लिए इस त्यौहार को जिंदा रखा है आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ी तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं सफा नंबर उन्नीस मानी याद कीजिए ताजिर व्यापारी गरज वजह सबब काम हुक्मरा हुकूमत करने वाला बुजुर्ग अल्लाह का नेक बंदा बूढ़ा शख्स छपर खट पलंग सजी हुई चार पाई भादों हिंदी महीने का नाम हिंदी साल का छठा महीना दरगाह किसी बुजुर्ग का मजार पत्ती डालना चंदा जमा करना काबिले दीद देखने के लायक हवेलियां बड़े मकान खंडर टूटी फूटी इमारत डेरे डालना किसी जगह ठहरना मेवा फल मुतंजन गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव मुजाफर जाफरान से तैयार किया जाने वाला जरता मशाले चराख ताशे बाजे का नाम आसमा सर पर उठाना बहुत शोर मचाना सक्के पानी पिलाने वाले फानूस चरागदान मुराद चराग क्षमा दीवारगिरी दीवार से लटके हुए चिराग या शमें जुलूस बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी मकाम तक जाना बारहदरी, बारह दरवाजे वाला महल सफा नंबर बीस सोचिए और बताइए, सवाल एक हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं सवाल दो फूल वालों की सैर की क्या खासियत है सवाल तीन अंग्रेज़ हिंदुस्तान में क्यों आए सवाल चार पुराने जमाने में कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थीं? सवाल पांच मेले के अहतमाम में बादशाह क्या करते थे सवाल छः जोग माया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ वाक़ है सवाल सात आखिरी मुगल बादशाह का नाम क्या था सवाल आठ आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू कराई सवाल नौ फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए एक खाली जगह की सैर सभी मजहब के लोग मनाते हैं दो अंग्रेजों ने खाली जगह को कैद कर दिया तीन ख्वाजा खाली जगह का मज़ार मेहरौली में है चार खाली जगह पर बैठकर लोग मेहरौली जाते थे पांच फूल वालों की सैर खाली जगह के मौसम में होता था फूल वालों की सैर महीने की खाली जगह रात को मनाया जाता था सात पहले दिन फूलों का पंखा खाली जगह के मंदिर पर चढ़ाया जाता था आठ दूसरे दिन फूलों का पंखा खाली जगह की दरगाह पर चढ़ाया जाता था सफा नंबर इक्कीस दिए हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जोशो खरोश दखल कैद दारुलसल्तनत फरोख एहतराम गौल प्रसाद बुलंद आवाज से पढ़िए बिला तकल्लुफ, दारुल सल्तनत, मुजफ्फर मुतंजन मशाले फरोख वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए मजाहिब इलाका अंग्रेजों गाड़ी पंखों पालकी हवेली कढ़ाई इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए बादशाह कैद बर्बाद रौनक पसंद अमली काम फूल वालों की सैर अपने लफ्ज़ों में लिखिए किसी मेले का आंखों देखा हाल अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए सफा नंबर बाईस गौर करने की बात गंगा और जमुना हिंदुस्तान की दो मशहूर नदियां हैं जो अलाहाबाद के मकाम पर आपस में मिलती हैं शहर अलाहाबाद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है जो हिंदुओं का मशहूर तीर्थ स्थान है मुख्तलिफ मुख्तलिफ़बान बोलने वाले अलग अलग मज़हबों पर चलने वाले भी गंगा जमुना की तरह आपस में मिलकर रहते हैं इसीलिए उनके मिलाप को गंगा जमनी मिलाप और उनकी मिली जुली तहज़ीब को गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं इसी के साथ अपनी जबान भाग दो का तीसरा सबक यहाँ ख़त्म हुआ इसके बाद सबक चार आता है प्रस्तुति सी ई टी एन -E सीईआरटी -E नई दिल्ली भारत